श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजिते श्री रामचरित मानस शरण कांत तीसोपम दोहा नंबर 4 हिंदी अर्थसहित। जय जय श्री राम। बिनती करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। जय श्री राम। हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। जय श्री राम। अनसुइया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। परम सौभाग्यशालिनी शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुइया जी के श्री चरण कमलों को पकड़ कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष दे करके सीता जी को अपने पास बैठा लिया। जय श्री राम। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। अमित दानी भरता वे देही अधम सुनारी जो सेवन तेही। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखी यही चारी। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अर्थात अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन के द्वारा पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के मन में पति के चरणों में प्रेम करना ही आवश्यक है स्त्री के लिए। बस एक ही परम पवित्र धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि अपने पति की सेवा करे। जगपति व्रताचारी विधि अहीं वेद पुराण संत सब कहीं। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा ही कहते हैं कि उत्तम के यस बस मन माही सपन हुआन पुरुष जग जाही। स्वप्न हुआन पुरुष जग नाही। अर्थात वेद पुराण संत सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है।
मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को जो है पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सोनिकिष्ट त्रिय श्रुति यस कही। वेद पुराण सभी ग्रंथ जो है यही कहते हैं कि बड़ों को पिता के रूप में और छोटों को पुत्र के रूप में देखना चाहिए, अर्थात मध्यम प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां छोटे को पुत्र के समान देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। बिनु अवसर पह भय ते रह जोई, और जो स्त्री मौका न मिलने से या भय बस पतिव्रता बनी रहती है, जान्यहु अधम नारी जग सोई, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति बंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कलप शत परई। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराए पति से रति करती है, वह तो 100 कलप तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। जय श्री राम। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझू तेही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी अधम गति लही, पतिव्रत छाड़ी। क्या कह रहे हैं कि पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई ग ह ई, अर्थात जो भी स्त्रियां अपने पति के अलावा किसी दूसरे के ऊपर दृष्टि डालती हैं, अर्थात क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती हैं, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त कर लेती है, ऐसा माता अनसुईया जी ने कहा कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, और विधवा होई पाई तरुनाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी में अर्थात भरी जवानी में विधवा हो जाती है। जय श्री राम। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लही। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान की प्रिय हैं। जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रियो। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं, और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार ही, तो तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जय श्री राम। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। जानकी जी के ऐसे सुंदर वचन हैं, देवी माता सती जी कहती हैं कि हे जानकी ध्यान से सुनो। जानकी जी ने सुनकर परम सुख को पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया।
तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। तब जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आदर पूर्वक उनके श्री चरण कोमलों में सीता शरीर तिरनवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने उनसे कहा, हे ऋषिवर आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं।